ये बटाकुंडी का इलाका है जी। इस वक्त ये सियाती जोन भी बन चुका है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद होटलों की है, यहाँ लाखों की तादाद में सियाह यहाँ आते हैं। ये खूबसूरत पानी है, दरिया है, यहाँ पर ट्राउट मछली होती है। ये एक सरकारी स्कूल है जो गर्मियों में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, और ये इस इलाके को अभी बहुत जल्द ही 1-2 साल के अंदर अंदर ये इलाका जो है ना सैर सियाहत के लिए मौजू हो चुका है। अब सैहों का ज़्यादातर रुख जो नारायण के बाद अगर है तो वो बटा कुंडी की तरफ है, और ये इस इलाके की खूबसूरती है। ये पीछे आप दिखा रहे हैं कैमरे वाले, इतने बड़ा पहाड़ है और इतना खूबसूरत पहाड़ है। ये ऊंचे ऊंचे बुलंद वाला पहाड़, ये सफ़ेद जो चादर उड़ी हुई है ये बर्फ़ के, ये आली ऐसी साल की बर्फबारी, और आसमान नील गो आसमान और उसमें चमकता हुआ सूरज, ये कुछ और ही नज़ारा पेश कर रहा है। इंसान ये दुनिया की गेम गेमी और अफरा तफरी से निकल कर कुछ देर के लिए अपने अल्लाह ताला की ये खाले के कायनात की कुदरत की रानाइयों का अगर गौर व फिक्र करे तो उसको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने समझने और सुनने देखने को मिल सकता है। इंसान अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह के कुंबे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को के साथ तामुन करना चाहिए, साथ लेकर चलना चाहिए। कहते हैं कि जो वादा करो उसको पूरा करो, जो कॉल करो उसको पूरा करो, और मुनाफा की 3 निशानियाँ हैं, जब वो बात करेगा झूठ बोलेगा, जब वो वादा करेगा उसके खिलाफ वर्जी करेगा, और उसके पास अमानत रखी जाएगी तो उसमें वो खयानत करेगा, और मुनाफा का दर्जा काफर से भी बदतर है, चाहे उसका तालक किसी मुसलमान से हो या गैर मुस्लिम से हो। अल्लाह ताला हमें मुनाफ़त की सियासत सोच और समझ से भी बचाए। आमीन।